लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुष्कर की जनता की किस्मत अपनी किस्मत अच्छी है तो वाईपीसी चुनाव जीतेंगे। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति आता है तो राजनीति के प्लेटफॉर्म जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जनता की सेवा करने का। और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में अगर भाई दी जी हमारे विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 200 विधानसभा में अपना सबसे अच्छा और ईमानदार विधायक करेगा। महाराज की आप सब जानते हैं कि भाई दी जैसा व्यक्तित्व शायद इस पूरे अजमेर जिले में क्या पूरे राजस्थान में आप ढूंढो तो नहीं मिल सकता। जैसा इनका जीवन आज तक का रहा है, मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना एक पल भी जनता की सेवा के अलावा खर्च नहीं किया होगा। आपके लिए सभी समान है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और आप जितनी इनसे हो सका उतनी आपने मदद की है, चाहे डॉक्टर से ले लें, चाहे प्रशासन से ले लें, किसी भी साल से ले लें, आपने किसी भी चीज के लिए कोई कमी नहीं की है। तो आप सब विधायक है, इसीलिए भी जितने भी बैठे हैं, जो भी मतदाता है वो सब पूरा विधायक बनेगा अपना। ये लोकतंत्र में अगर मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो आपके आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकता है, तो हमारा जीवन, हमारा सामाजिक स्तर व्यर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा सामाजिक वातावरण मिले जिससे हमें आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। आज हमारा प्रतिनिधि ऐसा क्यों है कि जहां उपेक्षित महसूस करते हैं, हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ये मौका बहुत अच्छा है, आपकी आत्मा में टटोल है, आप अनुभवों को देखें, आप अपने अनुभवों से अपने आसपास की चीजों से देख कर ये करें कि मुझे वोट देने पर मैं ये महसूस करूं कि प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सर्व समाज का, ये समाज के हर व्यक्ति का, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है, ऐसा वोट करना चाहिए। जिससे एक ईमानदार स्वच्छ छवि वाला, जिस दिन हमारी जनता ऐसे ईमानदार लोगों को चुनने का हिम्मत कर लेगी तो पूरा अपना राज्य, पूरा अपना राष्ट्र। मैंने हमेशा प्रयास किया कि पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे समर्पण के साथ क्षेत्र की सेवा की। और मैं पुष्कर क्षेत्र का इतना ऋणी हूं कि कड़ेल गांव में पैदा हुए छोरे को इन्होंने एमएलए बना दिया, ये कम बात नहीं। और आप ये बात कह सकते हो पूरे क्षेत्र के अंदर जाकर के डॉक्टर भाई ने संकल्प लिया इस बात का कि पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जाना बंद नहीं हो, स्वच्छ नहीं हो, क्षेत्र का विकास नहीं हो, औद्योगिक विकास नहीं हो, बिजली पानी सड़क का विकास नहीं हो, शिक्षा स्वास्थ्य का विकास नहीं हो, तो डॉक्टर भाई की 5 साल बाद किसी स्थिति में टिकट मांगने, वोट मांगने नहीं आएगा, न एमएलए के रूप में, न किसी के सहयोगी के रूप में। क्योंकि मैंने जो एक संकल्प लिया है, मेरे लिए विधायक की सत्ता सुख नहीं है, मेरे लिए विधायक की एक सेवा का माध्यम है। मैं विधायक इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं गरीब की आवाज प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकूं। पर मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मैंने कभी जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत कुछ कभी नहीं किया।